नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के बीकानेर ज़िले से है। आज 12 मई नर्सिंग डे मनाया गया। आज राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन ने नर्सिंग डे मनाया, जिसमें इसकी जन्मदात्री को पुष्प अर्पित किए। साथ ही हाल ही में निधन हुई सुमन सिस्टर के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसमें जिला अध्यक्ष कमला ने कोरोना को देखते हुए अपने कार्यस्थल पर नर्सिंग डे मनाने का आग्रह किया। वह कोषाध्यक्ष सुमन ने कहा कि सरकार को ANM व LHV की जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए। महासचिव निर्मल देपन ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संजीदा बानो, कमला, सुमन, परमजीत, मुकेश, दीपेश व अन्य नर्सिंग कर्मी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संजीदा बानो ने सरकार को ANM व LHV की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। आज हम राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन की तरफ से 12 मई को नर्सिंग दिवस के तहत जो पूरे राजस्थान की समस्त नर्सेज हैं उनको हम बधाई देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे। और उसके उपलक्ष में हम थोड़ा सा जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि आज कोरोना महामारी में हम अपनी ड्यूटी है वो कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कुछ मांग है जिसमें नॉन फाइनेंशियल डिमांड है हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं और जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी है और जो कहीं ना कहीं हमारे जो स्वयं का आत्मविश्वास है उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम महिला कैडर हैं और वर्षों से हमारी जो DPC है, जो प्रमोशन कैडर है, वो बिल्कुल ही ठप है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं वो ANM से ANM ही रिटायर हो जाती है। तो हमारी ये उनसे आग्रह है कि वो हमारे जो DPC कैडर है वो उसमें सुधार करें। हमारी जो समय अनुसार DPC होनी चाहिए जो है फुल वेतन के साथ है वो ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा हमारा जो अभी कोरोना महामारी में जो भी बहनें ड्यूटी कर रही है उनके लिए जो भी उचित भत्ता हो वो उनको समय पे मिले। प्राइम न्यूज़ 24 से मनीष सेवक की खास रिपोर्ट।